रामायण कहती है राम जी को प्रेम प्रिय है, तो हनुमान जी कहां मिलेंगे? जहां कथा होगी वहीं पर हनुमान जी होंगे। तो क्या महाराज यहां है हनुमान जी? हाँ है। कहां है दिखाओ। अरे दिखाने वाली बात नहीं, अनुभव की बात। अनुभव करो, यहीं कहीं है। कहां अनुभव करो? हमें तो नहीं दिख रहे। कुछ विज्ञान के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। एक चाहिए हमें, फिजी का लड़का मिला, सुहाबा में रहता था वो। क्या तुम्हारी राजधानी का क्या नाम है? सुआ। सुआ में रहता था, नाम चंगीलाल। हमने कहा और बताओ भगवान को मानते हो? बोले हम नहीं मानते, हम तो विज्ञान के लड़के हैं, IIT पढ़ाई की है हमने, इंग्लैंड से पढ़ाई की है, हम नहीं मानते। हम तो हम प्रैक्टिकल मानते हैं, जो प्रैक्टिकल हो उसी को मानते, प्रैक्टिकल के अलावा कुछ नहीं मानते। हम कहा अच्छी बात है। हम कहा तुम प्रैक्टिकल मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। बोले तुम कहाँ भगवान भगवान पंडित जी लगाए फिरते हो? अरे हम कहा ये बात तो छोड़ो, ये बताओ तुमने, तुम जहर को जानते हो, पॉइजन को? बोले हाँ जानते हैं। हम कि क्या करता है? बोले मारता है, कोई पी ले तो मर जाता। हम कहा तुमने कितनी बार पिया? बोले हमने पिया नहीं है पर हमें पता है। हम कहा जब तुम प्रैक्टिकल नहीं किए तो तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? जब तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर बताते हैं और किताबों में लिखा है। हमने कहा उसी प्रकार हमारे भी राम होते हैं। तो बोले हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। हमने कहा तुमने नहीं किया, हमने तो किया। बोले कैसे? हमका संत बताते हैं और किताबों में रामायण में लिखा हुआ है कि सर्वत्र भगवान है। अब भाई तुम अगर नहीं मानो तो क्या भगवान नहीं है? जैसे कोई आदमी कहे एक उसी से फिर हमने दूसरा पूछा। हम कहा चलो जहर की छोड़ो, अमेरिका है? बोले है। हम कहा तुम कितनी बार गए? बोले हम गए तो नहीं। हम कहा जब तुम गए नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि अमेरिका है? बोले नहीं नहीं वो तो न्यूज़ों में आता है, किताबों में लिखा है। हम कहे उसी प्रकार संत बताते हैं, भक्त अनुभव बताते हैं कि भगवान होते हैं। गीता में लिखा, महाभारत में लिखा, रामायण में लिखा। तो जैसे तुमने बिना जाए हुए अमेरिका को स्वीकार कर लिया अनुभव के रूप में और लोगों के कहने पर, उसी प्रकार हम भक्तों ने भी संतों के कहने पर और रामायण के आधार पर राम जी को भी स्वीकार कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं गए तो नहीं है। अब भाई तुम अमेरिका नहीं गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अमेरिका नहीं है, वो तो है ही है। तुम्हारे होने जाने या ना जाने से अमेरिका को कोई फर्क थोड़ी पड़ता। उसी प्रकार तुम्हारे मानने या ना मानने से भगवान को फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो थे हैं, और जब तक इस पृथ्वी पर मानवीय सत्ता रहेगी तब तक परमात्मा इस पृथ्वी पर रहेंगे, और सत्ता के बाद भी भगवान रहेंगे। बोलो सीताराम। तो बताओ हनुमान जी कहाँ हैं? कथा में मिलते हैं, यहाँ हैं। अब कोई प्रश्न ये भी कर सकता है, अब ये नहीं कहेंगे कि फिजी वाले ही इतने खतरनाक प्रश्न करते हैं, और फिजी वाले ऊंचे लेवल के हैं, हम जानते हैं उनको। तो यहाँ कहाँ हैं? चलो एक उदाहरण सुनो, यहाँ भी हनुमान जी हैं, हम सिद्ध करके बताते। तुम भोजन के बिन कितने दिन रह सकते? 8-9 दिन तो भोजन के बिना रह सकते हो, बोलो हाँ या ना। अच्छा पानी के बिन कितने दिन रह सकते हैं? अरे बोलो, 1 दिन तो रह सकते। और हवा के बिन? 2 मिनट में ही हवा खिसक जाएगी। अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाती। कोरोना में थोड़ी सी ऑक्सीजन क्या कमी हुई थी कि आदमी खिसक गए। मोटे मोटों की भी हवा खिसक जाती। तो हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते, क्योंकि हवा नहीं तो हवा खिसका देती है आदमी पे। क्या बोले, दिस इज डेड, खत्म हो गए, ठटरी भर गई इनकी, बचे नहीं है प्राण, पखेरू उड़ गए हैं? तो हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। हवा का एक नाम है पवन, पर्यायवाची में हवा को कहते हैं पवन, और हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र। हवा का एक नाम पवन है
और हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र है, ये जो तुम श्वास ले रहे ये हनुमान जी को ही तो स्वीकार कर रहे हो। अंजनी पुत्र सुमन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी कहा, जहां पर कथा होती वहां हनुमान जी होते हैं, तो राम द्वारे तुम रखवारे। अब देखो हनुमान जी को पाना सरल है कि नहीं है, हनुमान जी को पाना है तो कथा में आओ। देखिए कथा में हनुमान जी मिलेंगे कैसे, जो कथा चल रही उसे जीवन में उतारो तो हनुमान जी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे तुलसीदास जी पर हो गए। हनुमान जी जब तुम्हें मिल जाए, एक बात और सुनो, पूछो क्या पूछो, अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हनुमान जी बन जाएंगे तो फिर तुम्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, राम जी को लेकर आने का काम हनुमान जी का हो जाएगा। राम मिलाए राजपद दीन्हा, हनुमान जी राम जी से मिलाने का काम करवाते हैं। किससे मिलवाते हैं हनुमान जी, तो ये सिद्ध हो गया कि हनुमान जी को पाना है तो फिर राम जी को पाने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी को पाना है तो कथा में आने की आवश्यकता है। बोलो सीताराम। एक बच्ची है खंडवा की, उसका नाम है गुनगुन शर्मा। उसने प्रश्न किया था, चिट्ठी भेजी थी जब हम भारत में थे, बोले गुरुजी हम सुखी कैसे रहें, सुखी कैसे रहें, खुश हैप्पी सुखी कैसे रहें। तो उसने लिखा, बोले गुरुजी हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, धन है, दौलत है, पति है, परिवार है, बच्चे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, सुखी नहीं है। तो हमें उत्तर तो अलग तरीके का आया, हमें लगा कि इनको लिख देना चाहिए उसी चिट्ठी में कि तो अब तुम संन्यास ले लो, लेकिन हम उन्हें लिख नहीं पाए। अब हम उनको माइक से ही उत्तर दे देते हैं टीवी पर। गुनगुन बिटिया, नाम बड़ा विचित्र है गुनगुन, पर जैसा भी ये नाम तो नाम है। गुनगुन सुखी रहना है तो हमने 5 उपाय निकाले सुखी रहने के। कितने? क्या फिजी में भी कोई सुखी रहना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। हैं सब उठाएंगे, बड़े चतुर हैं। फिजी वालों से कोई जीत नहीं सकता, फायदे की सौदा तो तुरंत, दुनिया की आदत बड़ी। तुम सुखी रहना चाहते बोलो, अरे जोर से बोलो। तो 5 उपाय हैं, मानोगे? पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। आदमी दुखी ज्यादातर वो है कि जो है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो पड़ोसी के घर पे है उसको भगवान मानता है। दो कौड़ी की चीज है नहीं उसे करोड़ों की समझता, और जो करोड़ों की घर पे रखी है उसे दो कौड़ी की समझता। बुरा ना मानिएगा, अब ऐसा तर्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कई बार अपनी लुगाई अच्छी नहीं लगती। कई लोगों का हमारा काम ही है दिमाग पढ़ना, हमारा काम ही है दिलो दिमाग पढ़ना, भगवान ने जो सिद्धि शक्ति दी है, है? तो कई लोगों को अपना घर अच्छा नहीं लगता, अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगती, पड़ोसी की गाड़ी अच्छी लगती, पड़ोसी के मकान अच्छे लगते, पड़ोसों की व्यवस्थाएं अच्छी लगती। सही कह रहे माता जी? कौन माता जी कह रहे? कहीं पीड़ित तो नहीं रही आप इससे? जरा खड़ी हो माता जी, जरा इन पर कैमरा करो भाई, टीवी वाले कहाँ गए? हाँ हाँ वहीं वहीं रहो माता जी, जरा इन पर कैमरा करो माता जी पे। सही बात है का है? हंड्रेड परसेंट मतलब आप पीड़ित रही माता जी। बैठो माता बैठो। तो सुखी रहने के 5 उपाय में पहला उपाय, जो है उसका महत्व समझें।
क्या समझे? जोर से बोलो, सुखी रहना तो पहला उपाय जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझे। दूसरा उपाय, अपनी तुलना करना बंद कर दें। किसी से तुलना मत करो, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे वो ऐसा अपने लिए है, आप अपने लिए हो। और तुलना करनी ही है, अपने से बड़ों से तुलना मत करो, नीचे वालों से करो। कभी दुखी नहीं रहो। ज्यादातर आदमी बहुत दुखी रहते जो अपने से, एक हमें मिली, हमें एक आदमी मिला यही यही, हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी जूते नहीं है। हम कहा पहन तो रखे हैं? बोले नहीं है तो, पर कंपनी के नहीं है। अरे हम कहा जूतों की कमी हो फिजी में? कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे। मना करना पड़ेगा कि रहने दो। बोले नहीं नहीं वो जूतों नहीं, पहनने की बात कर रहे हैं। हम कहने हम भी पहनने वाले ही बता रहे हैं। तो बोले जूते नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले कंपनी के नहीं है, पड़ोसी कंपनी का पहनता है। उनका क्या मूर्ख आदमी हो, जूते हैं तुम्हारे पास पर कंपनी के नहीं है तो तुम रो रहे? हमें उसे एक मकान पे लेवा गए झोपड़ी में, गरीब झोपड़ी था, गरीब आदमी था। एक सामने बैठा हुआ आदमी मुस्कुराता हुआ था, उसने हमें देखा, हाथ जोड़े प्रणाम करने लगा। हमने कहा कुछ देख रहे? बोले क्या? हम कहा जरा गौर से देखो। बोले गुरुजी लंगड़ा है। हम कहा देखो पैर नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा। तो मैं तो भगवान ने पैर भी दिए, पहनने को जूते भी दिए, फिर भी तुम रो रहे। बताओ तुम मूर्ख हो या ये मूर्ख है? तो सुखी रहने का गुनगुन दूसरा उपाय है, अपने से किसी की तुलना मत करो। करनी है तो नीचे वालों से तुलना करो ताकि तुम सुखी रहोगे। ऊंचे वालों से जब भी तुलना करोगे दुखी रहोगे। तीसरा उपाय, जो भी परिस्थिति हो ईश्वर को धन्यवाद दो। किसको धन्यवाद दो? जोर से बोलो, भगवान को धन्यवाद दो, परमात्मा को। बुरा भी हो जाए तब भी धन्यवाद दो, ईश्वर अच्छा करना चाह रहा। बुरे में भी, आप कहोगे कितनी विचित्र बात है कि बुरे में धन्यवाद दे। हां बुरे में ज्यादा धन्यवाद दो। हम एक छोटी सी घटना अभी चंडीगढ़ की है। एक हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, उन्होंने उन्हें मकान लेना था, उन्होंने मकान फाइनल किया, वो मकान उन्हें नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो पति पत्नी दोनों निराश हुए, हमारे पास आए, बोले गुरुजी वो मकान नहीं मिला हमको। हमका दुखी होने की बात नहीं है, भगवान चाहते हैं कि अभी तुम किराए के मकान में मजे लो ताकि सभी मकान की टेंशन मकान मालिक की रहे, तुमको टेंशन में ना आओ। भगवान अच्छा चाह रहा है, बुरे में भी अच्छा चाह रहा। किसी राज्य की घटना में याद है कि किसी राज्य का राजा और मंत्री दोनों साथ रहते थे, दोनों आपस में बड़ा प्रेम करते थे। एक बार राजा तलवार से तलवार की धार चेक कर रहा था, धोखे से उसका अंगूठा कट गया। पीछे से खड़े हुए मंत्री ने ऊपर की तरफ देखकर कहा ठीक हुआ अंगूठा कट गया। राजा का दिमाग खराब हो गया कि क्या पागल आदमी है, भला हुआ कि अंगूठा कटना भला होना है? अच्छे खासे छह पिट के थे, अंग भंग हो गया, डाल दो इसको जेल में। और जैसे ही जेल में ले जाने लगे तो मंत्री फिर ऊपर की तरफ देख करके बोला भला हुआ जो जेल मिल रहा। राजा ने कहा इसको तो हमेशा के लिए डालो। जेल चला गया राजा। दूसरे दिन अंगूठा की मलहम पट्टी करवा करके शिकार खेलने गया। बदकिस्मती से राजा डकैतों के चक्कर में पड़ गया, पकड़ लिया गया। मंत्री तो भाग गए, बाकी राजा पकड़ लिया गया। जब राजा पकड़ लिया गया उन डकैतों को, तो उन डकैतों के सरदार ने प्रण किया था कि अगर हमारे बेटा होगा तो हम किसी नर की बलि चढ़ाएंगे, पुरुष की किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाएंगे। और राजा पकड़े गए, उसके बेटा हो गया था। तो बलि चढ़ाने के लिए राजा को ले गए देवी के सामने, और गर्दन काटनी ही थी तब तक बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए तो पंडित जी ने कहा जरा चेक तो कर लो, अंग भंग तो नहीं है। और जब चेक किया तो राजा बाकी तो ठीक था, अंगूठा कटा था। तो पंडित जी ने कहा यह बलि स्वीकार नहीं है, फेंको इन्हें, भगाओ। भगा दिया गया राजा को 4-6 थप्पड़ मार करके। राजा सीधा जेल में जहां मंत्री डला था वहीं पर आकर के बोला कि भला हुआ। क्यों? तू ठीक कहता था, भला हुआ। आज अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो गर्दन कट गई होती। लेकिन एक बात बोले मंत्री, बोले बोलो, बुरा ना मानना, हमारे साथ तो अंगूठा कटा था तो भला हुआ, सो हमारी गर्दन बच गई, पर तुम्हें जेल मिला, ये क्या खाक भला हुआ? मंत्री बोला हमारा तो डबल भला हुआ। राजा बोला कैसे? बोले जहां आप रहते वहां हम होते कि नहीं होते? बोले बिल्कुल होते।
बोले आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते कि नहीं पकड़े जाते? बोले बिल्कुल पकड़े जाते। बोले आप चेक होते तो क्या हम चेक नहीं होते? बोले बिल्कुल चेक होते। तो मंत्री बोला आप तो चेक में परीक्षण में फेल हो जाते क्योंकि अंगूठा कटा, हम तो पूरे के पूरे हैं। तो हमारे साथ तो और ज्यादा भला हुआ। इसलिए गुनगुन तुमने पूछा है कि सुखी कैसे रहे, तो पहला उत्तर ये है कि जो है उसका महत्व तो समझो। दूसरा उत्तर ये है अपनी तुलना किसी से करना बंद करो। और तीसरा उत्तर ये है बुरे में भी भगवान को धन्यवाद दो, भला हुआ है। चौथा उत्तर गुनगुन अगर तुम्हें प्रसन्न रहना है तो चौथा उत्तर यह है कि विपरीत परिस्थितियां कितनी भी आ जाएं डिगना नहीं, कितनी भी विपरीत आ जाएं हमको डिगना नहीं है, हर परिस्थिति में खड़े रहना है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खड़े रहना है, भरोसा भगवान का नहीं छोड़ना है चाहे जो हो जाए। याद रखना सबरी ने 10,000 वर्ष तक प्रभु का इंतजार किया लेकिन परिणाम लोग कहते हैं कैकई के कारण राम बन गए, हमारी व्यासपीठ कहती है कि सबरी के कारण राम बन गए। सबरी के बुलावे में इतनी ताकत थी कि राम जी को राज्य छोड़कर के वन आना पड़ा। इसलिए गुनगुन आपने पूछा सुखी कैसे रहे, किसी भी परिस्थिति में अपने नियमों को मत तोड़ना, अपनी आदतों को मत छोड़ना, विदेश में भी रहते हुए अपनी परंपरा को मानना, जो नियम है सो है, भजन करना है सो करना है। अब चाहे जगत हंसे और चाहे दुनिया ताने देवे या कोई भला बुरा कहे, तुम्हारा नियम है कि तुम्हें कथा सुननी है तो फिर चाहे जो हो जाए, इसलिए डिगना नहीं है। और पांचवा सूत्र गुनगुन तुमने पूछा है कि सुखी कैसे रहे, पांचवा सूत्र तुम्हारे बहुत काम का है, लोगों की सुनना बंद कर दो। ये लोग तुमको कभी जीने नहीं देंगे गुनगुन, तुम जितना भी लोगों के सुनोगे, और याद रखना अगर तुम सोशल मीडिया पर हो, सोशल साइट चला रही हो तो कमेंट्स मत पढ़ा करो, ये और ज्यादा खतरनाक। 4 फोटो तुम तिलक चंदन माला की डाल देना, नीचे कमेंट है नया बाबा तैयार हो गया है। बड़ा खतरा है ये, सबसे बड़ा खतरा है ये। कहीं पर भी पूजा पाठ के लिए खड़े हो जाओ आफत हो जाएगी साहब, बहुत आफत हो जाएगी, बहुत आफत हो जाएगी। और लोग बहुत खतरनाक है, ये जीने नहीं देंगे। एक राजा और रानी दोनों घोड़ा के ऊपर चले जा रहे थे, दोनों घोड़ा के ऊपर बैठे हुए थे, राजा और रानी घोड़ा एक गांव से निकले, गांव वाले बोले बताओ तो क्या जमाना आ गया, छोटा सा घोड़ा और दो दो बैठे। राजा रानी से बोला बेइज्जती हो रही है, एक काम करते हैं तुम बैठी रहो हम पैदल चल रहे। रानी बोली चल लो, रही होगी फिजी की। राजा पैदल हो गया, रानी घोड़े पर बैठी चली जा रही थी, फिजी देश में ही एक कोने की तरफ से निकले सुआ, वहां पनहारनी पानी का मटका लेकर के जा रही थी। उसने दूर से देखा पनहारनियों ने घूंघट मुंह डाल करके, भारतीय परंपरा का घूंघट डाल करके मुंह टेढ़ा करके बोली देखो तो क्या जमाना आ गया जी। दूसरी सहेली बोली क्या जमाना आ गया, देखो तो अच्छी खासी नई नवेली है, खुद घोड़ी पर बैठी है और खसम को पैदल चलवा रही है, पति को पैदल चलवा रही, क्या गजब का जमाना आ गया। पत्नी रानी बोली राजा से हमारी बेइज्जती करवा दी आपने। राजा बोला क्या करें। रानी बोली एक काम करो तुम बैठो हम पैदल चलते। अब बेचारा राजा बैठ गया, रानी पैदल चलने लगी, एक गांव के मोहल्ले से निकले, 4 युवक बैठे हुए थे, बोले ओ हो क्या जमाना आ गया, सुकुमार सी कोमल सी पत्नी को पैदल चलवा रहा, खुद 6 फीट का घोड़े पर बैठा हुआ है। राजा बोला रानी तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, अब क्या उपाय बचा। अब तो एक ही उपाय बचा है कि घोड़े को ही कंधों पर टांग लो, और कोई उपाय नहीं बचा है। अंत में राजा समझ गया ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, रानी एक काम करो। बोले क्या। बोले ना इनकी सुनो ना उनकी, दोनों लोग बैठो और चलो। और दोनों लोग इस चक्कर में वो 2 दिन अपने राज्य में नहीं पहुंच पाए लोगों की सुनने के चक्कर में, और जिस दिन उन्होंने ये निर्णय किया कि कहने दो, दोनों बैठे और 2.5 घंटे में अपने महल में पहुंच गए। गुनगुन तुमने जो पूछा सुखी कैसे रहे, तो 5 सूत्र में पहला सूत्र है जो है उसका महत्व समझो, दूसरा अपनी तुलना किसी से मत करो, तीसरा प्रभु को हर हाल में धन्यवाद दो, चौथा विपरीत परिस्थिति में भी डिगना मत, और पांचवा लोगों की सुनना मत। सुनना तो माता पिता और गुरु की सुनना, शास्त्र की सुनना, वेदों की सुनना,
जो बात सत्य लगे वो सुनना। जरूरी नहीं है तुम्हारा गुरु बोल रहा हो तो सत्य ही बोल रहा हो। हम तो अक्सर बोलते हैं अपने चेलों से कि हम जो भी बोल रहे हैं वो अपना अनुभव बोल रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं। तुम्हें लगे कि सही है तो स्वीकार करना, वरना स्वीकार भी मत करना, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारा अनुभव है, तुम्हारे पास जो होगा वो तुम्हारा अनुभव होगा। अब बलि ने बड़ा गजब का काम किया, बलि ने गुरु जी की नहीं सुनी तो आज भी बलि को जाना जाता है। शुक्राचार्य जी ने समझाया राजा बलि को, ये जो बामन बनकर के आए हैं ये कोई साधारण नहीं है, भगवान है, तुम्हें हरण कर लेंगे, छल लेंगे। बलि ने मन में सोचा जब भगवान ही मांगने आए हैं जो दुनिया को देता है तो काय को मना करें। तो अगर राजा बलि अपने गुरु की बात मान लेता तो कभी उसे इतिहास में नहीं जाना जाता। उसने गुरु की बात को नहीं माना, परिणाम उस पर भी भगवान की कृपा हुई और आज भी उसे जाना जाता। तो सत्य जो हो उसे सुनना, उसी को स्वीकार करना, दुनिया के कहने में मत पड़ना। तुम भक्ति करोगे दुनिया ताने देगी, और बाहर के नहीं देंगे, तुम्हारे घर के। बड़ी पुजारी बनी हो, बड़े भक्त बने हो, हम देखते हैं तुम्हारे भगवान कितने बचाते हैं। और कई माताओं के घर में तो हम तो बहुत अनुभव करते हैं, चेक करते हैं, बड़ी बाबा बाबा कर रही। कईयों के घर पर उपद्रव होता है, दुनिया का काम कहना है। मीरा ने किसी की सुनी नहीं इसलिए मीरा को गोविंद मिल गए। राम दुआरे तुम रखवारे ओ दिन आ पैसा राम दुआरे दोनों हाथ उठा के गाओ रखवारे हो नया बिनु पैसा राम दुआ रखवारे राम दुआरे तुम रखवारे ओ दिन आज्ञा बिनु पैसारे हो दिन आज्ञा बिनु पैसारे श्री राम जय राम महाराज राम जी के द्वार पर रहते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे। तो हनुमान जी की भक्ति बड़ी सरल है, हनुमान जी की भक्ति कठिन भी नहीं है। और बुरा ना मानना, हनुमान जी के जैसा कोई बलवान योद्धा भी इस दुनिया में नहीं है। और भैया कलयुग के तो राजा ही हनुमान जी हैं। कलयुग का राजा कौन है जोर से बोलो। जब राम जी जाने लगे अपने लोक में, हनुमान जी चलो टिकट कट गई। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्या आपके लोक में जब हम आपके साथ जाएंगे वहां कथा मिलेगी? भगवान बोले वहां तो हम ही मिलेंगे, हमारी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले फिर हमारी टिकट कैंसिल। क्यों? हम वहां रहेंगे जहां आपकी कथा रहेगी। राम जी बोले फायदा क्या है? हनुमान जी बोले फायदा ही फायदा है, जहां कथा होगी वहां कथा भी सुनने को मिलेगी, और जब कथा होगी तो आप भी तो प्रभु आओगे तो आपके दर्शन भी मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, कथा में बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा तो प्रभु के दर्शन, दूसरा भक्तों के और संतों के दर्शन। और हनुमान जी का काम क्या है? साधु संत के तुम रखवारे असुरी निकंदन राम दुलारे साधु संत के तुम रखवारे असुरी निकंदन राम कथा में
है पहला फायदा तो संतों के दर्शन, किसके दर्शन, संतों के दर्शन। दूसरा फायदा विकारों की शुद्धि। 3 घंटे तक कथा सुनने से जितने भी गंदे विकार भरे होते हैं एक एक करके बाहर आते। तीसरा फायदा भगवान की कथा में बैठने का तीसरा बहुत अच्छा फायदा है नए विचारों की प्राप्ति। नए नए विचार मिलते हैं, नए नए तर्क मिलते हैं, ये स्वीकार करते हैं मन आह्लादित होता। चौथा फायदा 3 घंटे तक आदमी बिना टेंशन में बैठता। हाँ 3 घंटे तक आदमी बिना टेंशन के बैठता। जितने भी लोग यहां कथा में बैठे पूरा स्टेडियम भरा। कई लोगों को कर्जा देना, दुकान खोलना है, दुनियादारी करना है, पर जब से कथा में बैठे हैं सब भूले बैठे, ऐसे बैठे हैं जैसे परम सन्यासी हो। मकान में जाना है कई लोगों, कई माताओं को तो रोटी भी बनानी है, लेकिन आनंद में बैठे कोई टेंशन नहीं। और टेंशन इसलिए भी नहीं कि कथा के बाद गुलगुला मिल रही है, तो कोई टेंशन नहीं है, जय बजरंग बली। तो कथा का यह चौथा फायदा। चौथा फायदा क्या है कथा में, चौथा फायदा भी बड़ा गजब का है। ऐसे ऐसे संतों के और भक्तों के दर्शन हो जाते हैं जिन्हें कभी देखने को नहीं मिलता। पांचवा फायदा कथा का, पांचवा फायदा पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए बड़े काम का है, और वो ये है कि कथा में राजा हो या प्रजा एक लाइन में आकर के बैठता है, भेदभाव मिटता है। और कथा का छठवां फायदा, कथा का छठवां फायदा भैया ये है कि अमीर हो या गरीब दोनों एक साथ तो बैठते ही हैं, उन लोगों से भी मिलना हो जाता है जिन्हें कभी देखा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों से भी मित्रता होने का संबंध का सामंजस्य बन जाता है। कथा सुनने का छठवां फायदा भगवान के प्रति भरोसा दृढ़ होता है। आज हमसे कोई माताजी पूछ रही थी, गुरुजी हमें भगवान की भक्ति चाहिए, उपाय बताओ। 4 उपाय हैं भगवान की भक्ति के। पहला उपाय संत संग करो। क्या करो, बोलो बोलो, संतों का संग करो। संतों का संग करोगे तो वो भगवान के रस को, भक्ति को जीवन में भर देंगे। दूसरा उपाय सत्संग करो। क्या करो, बड़े भाग पायई सत्संग, श्री राम जय राम जय राम। लेकिन सत्संग सबको नहीं मिलता। सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ ना, और बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता, सत्संग सबको नहीं मिलता। और हमारे गांव में बुंदेलखंड में कहावत है कि अगर सभी कुतियां प्रयाग जाने लगे तो चाट का दोना कौन चाटेगा। हमारे बुंदेलखंड के पर है विचित्र कहावत, पर है तो है। इसलिए सत्संग में सब नहीं आते, पता है कौन आता है। हमने एक तर्क दिया था एक जगह, बहुत गजब का तर्क है, बहुत गजब का विचार है। जनता जिसको चुनती है नेता को, वो संसद भवन में बैठता है। भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। तो ये लोग, ये तुम कृपा मत मानना। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम तो आज काम छोड़ के कथा में आ गए, ठटरी के बरे आए नहीं है, बुलाए गए हो। तुम नहीं आए, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। किसने बुलाया, हम नहीं कह रहे। रामायण पढ़ोगे तो रामायण में वर्णन आया, ए हा
बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने सत्संग में हम लोगों को बैठाया। अच्छा कैसे, उदाहरण सुनो। सत्संग में तो सब आना चाहते हैं पर टाइम नहीं। किसी से पूछो कथा में क्यों नहीं आए, गुरु जी काम से गए थे। जो काम से जाते हैं वो काम ही से जाते हैं। कई लोग कहते ना क्या हुआ, गुरु जी काम से गए थे। जो कथा छोड़कर काम से जाते हैं वो काम ही से चले जाते हैं। कथा सबको नहीं मिलती है, अनूठे को, किसी को जिसको भगवान चुने उन्हें कथा में बैठने का मौका मिलता। कारण सब लोगों के पैर को मगर ने पकड़ रखा। किसने पकड़ रखा? अब तुम मगर मच्छ मत समझ जाना। खैर हम बात उसी की कर रहे हैं, तुम जो समझ रहे हो वो सही समझ रहे हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा था, हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा था। कथा सुनी तुमने? हनुमान जी का पैर भी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे मगरिया ने पकड़ लिया था, कालनेमी को जब दीक्षा, कालनेमी से जब दीक्षा लेनी थी। और भागवत में एक कथा आती है गज और ग्राह की, हाथी और मगरमच्छ की। हाथी के पैर को भी मगर ने पकड़ा और तुम लोगों के पैर को भी मगर ने पकड़ा है जो कथा में नहीं आए। पूछो कैसे? मान लो हम यहां से कल चले जाएं, और जाना ही है, मान लो क्या मान लो का फाइनल ही है, उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है, वो तो फाइनल है। तो कल हम कथा करके जब चले जाएंगे तो जो लोग नहीं आ पाए उनसे कुछ पूछेंगे या तुम पूछोगे, क्यों तुम कथा में नहीं गए? अरे बोले जाना तो था मगर। कुछ लोग तो ये भी कह देते, अरे बोले क्यों बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे वहां नेडी में आए थे और एडी पटेल स्टेडियम में कथा की, तुम गए नहीं प्रिंस चार्ल्स वाले पार्क में? अरे बोले हम तो पहुंच गए थे, गाड़ी स्टैंड पे लगा दी, मांगा। मगर क्या बोले, मगर ये मगर बड़ा खतरनाक, इसने कई लोगों के पैर को पकड़ रखा। लेकिन एक बात सुनना जरा, बहुत गजब की है, बहुत काम की बात है। हनुमान जी के पैर को मगरिया ने पकड़ा, हनुमान जी ने एक लात मार दी, मगरिया का उद्धार हो गया और हनुमान जी को भी राज पता चल गया कि कालनेमी साधु नहीं है, असाधु है। और क्या गजब का सूत्र छिपा हुआ इस कथा में कि अगर हम लोग भी भगवान की भक्ति के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन हित के लिए और अपने भारत के तिरंगा को चांद तक पहुंचाने के लिए अगर एक बार मगर के ऊपर लात प्रहार करनी पड़े तो लात को मार करके हमको मगर को छोड़ करके कथा में आ जाना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज बड़े अद्भुत, हनुमान जी की कृपा बड़ी अद्भुत। तो कथा में कहा हनुमान जी कहां मिलेंगे? कथा में मिलेंगे, क्योंकि कल माता जानकी जी को भी कथा सुनाई। किसको कथा सुनाई हनुमान जी ने? सुंदर कांड की कथा हम लोग सुना रहे हैं। माता जानकी जी को कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने, बोलो सीताराम बचनु नयाबो नयन भर बारी आहे नाथ हो निपट विसारे। माता जानकी जी हनुमान जी से कहती, लगता है प्रभु श्री राम हमको भूल गए। हनुमान जी बोले, माता तो मैं भूले नहीं है। बोले क्यों? जन जननी जन जननी मान हूं जिए ना और तुम्हें ते प्रेम राम के दुना। मां तुम्हारा प्रेम तो एक गुना है पर हमारे राम जी तुमसे डबल प्रेम करते हैं। जानकी जी बोली, अगर डबल प्रेम करते हैं तो हमें दिख तो नहीं रहा। कई बार प्रेम करने दिखता भी नहीं, जरूरी नहीं है कि प्रेम दिखे, वही प्रेम।
आजकल तो कॉफी हाउस में जाने को प्रेम कर दी। उसको कुछ कहते हैं, क्या कहते उसको? हाउ डेट बर्थडे डेट डेट डेट्स हाँ जो भी है। आप लोग ज्यादा समझदार हो, अपनी पढ़ाई से बाहर का विषय है। तो आजकल तो डेट पे जाना ही लव कहलाता है, ये बड़ा खतरनाक है भैया। जैसे ये हमारे ये ढोलक वाले बैठे, ये भी कम नहीं है बेटा। ये मत समझना हम कथा कर रहे हैं तो हमारा भाई भाई चालू नहीं रहता है बेटा, हमसे बना के चलोगे तो जुड़ जाएगी, नहीं तो गुरुजी खतरनाक है, गलत जगह मंच पे बैठ गए तुम बेटा। क्योंकि हम केवल कथा वक्ता भर थोड़ी। हाँ तो माता जानकी जी कहती हैं हमसे राम जी प्रेम नहीं करते। हनुमान जी कहते हैं माँ तुम ते प्रेम राम के दूना, आपसे डबल प्रेम राम जी करते हैं, पर दिख तो नहीं रहा। प्रेम वो नहीं है जो दिखे, प्रेम वो है जो हो जाए। प्रेम दिखे इसे प्रेम नहीं कहते, प्रेम वो है जिसमें प्रेमी को पता लगे या ना लगे, प्रेमी से आंख मिले वो काम हो जाए। सच्चा प्रेम ये है, बोलो सीताराम। आजकल शरीर सुख को प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, वासना है, इसको वासना कहा जाता है। और सच बोले बुरा ना मानना, प्रेम तो उपासना है, प्रेम वासना नहीं है, प्रेम तो उपासना है, बोलो सीताराम। मां जानकी जी कहती प्रेम अगर है तो दिख नहीं रहा। हनुमान जी बोले कैसे? माता जानकी जी ने कहा हे हनुमान जी, हमसे जब राम जी प्रेम करते थे तो इंद्र जी, इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया, चोंच मार दी, तो राम जी से देखा नहीं गया, पर इतना प्रेम करते थे प्रभु के पीछे बाण लगा दिया। हनुमान जी बोले माता तो कहना क्या चाह रही? जानकी जी बोली इतने दिन हो गए, आज तक ना खबर ली ना कोई बाण लगाया। हनुमान जी बोले जरूरी थोड़ी है कि बाण दिखे, लगा तो दिया पीछे से। जानकी माता बोली मतलब? बोले वाह, हमें भेजा जो राम जी ने तो हम उनका बाण ही तो बनकर आए हैं। बात सही बोली हनुमान जी ने। जब हनुमान जी चले तब सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने चलते ही कहा जिमिया मोघ रघुपति कर बाना ऐसे ही भांति चलियो हनुमाना। राम जी के बाण की तरह हनुमान जी चले, बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो हनुमान जी बोले मां हम राम जी के ही बाण हैं। अच्छा चलो अब तुम आ गए, रघुपति बाण कृषान तुम आ गए, पर एक बात बताओ प्रभु जी आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें ले जाएंगे कि नहीं? हनुमान जी यहां जोड़ करके बोले कछु को दिवस जननी धरो धीरा कपिन सहित आई है रघुवीरा। कुछ दिनों तक इंतजार करो मां, बंदरों के साथ में राम जी लंका में आएंगे। तो माता जानकी जी बोली करेंगे क्या? निशिचर मारी तो ही ले जाई है तेहू पुर नारी दादी जस गई जस गई है। भगवान राम जब लंका में आएंगे तो राक्षसों को मार करके मां जानकी सम्मान के सहित तुमको ले जाएंगे। माता जानकी जी बोली अच्छा। बोले हाँ। माता जानकी जी को संदेह है, मोरे हृदय परम संदेह। क्या संदेह है? माता जानकी जी बोली राम जी के साथ बंदर आएंगे। बोले हाँ। तो हनुमान जी छोटे थे माता के सामने, और कितनी अद्भुत कथा है, कितनी सीखने योग्य कथा है। मां के सामने हनुमान जी छोटे बने खड़े हैं, नीचे की तरफ जानकी जी देख रही, इतने छोटे बने।
और कितना गजब का संकेत है इस कथा में, हमेशा भक्ति के सामने छोटे बनकर के ही जाना चाहिए। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए और कितने भी ऊंचे पद पर खड़ा हो जाए, पर मां बाप के सामने बड़े नहीं बनना चाहिए। मां बाप गुरु के सामने छोटे बनकर के ही रहना चाहिए। और कुछ बच्चे तो बड़े ही गजब के होते हैं, दो चार मेडल क्या मिले, दो चार पुरस्कार क्या मिले, और दो चार नौकरी में रुपया की वेतन क्या आवे, उन्हें लगने लगता आई एम सुपर बॉस। पर तो वो गुरुजी को भी नहीं देखते। जिन्हें नई नई हवा धमकी लगती है वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। नई नई जो कथा करेंगे वो ज्यादा चमकीले कपड़ा पहनेंगे, नई नई कथा पे बैठेंगे ज्यादा चमकीले कुर्ता, ज्यादा जय जय बजरंग बली, नई नई जो कार खरीदेंगे वो वहीं पर लेकर आएंगे जहां भीड़ बैठी होगी। वो अगर बदकिस्मती से पार्किंग में कार लगानी पड़े और कोई कार ना देखे तो वो कार दिखाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो चाबी जरूर उंगली में फंसा लेंगे। चाबी बता दे ऐसे उंगली घुमाए। और बताओ आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया। डीजल का कोई लेना देना नहीं है तो फिर लोग पूछते हैं हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे, तुम सही कह रहे हो। एक आचार्य जी कथा बताने लगते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक स्त्री ने चूड़ी पहनी पर कोई देखे ही ना, और चूड़ी पड़ोसन के लिए पहनी और पड़ोसन देखे ना, दिमाग खराब। तो उसने क्या किया कि अपने ही घर में आग लगा ली, और आग लगाई तो पड़ोसन और पड़ोसी भगाता है, क्या हुआ क्या हुआ, आग लग गई, ऐसे हाथ बजा बजा चूड़ी बजा बजा, बुझाओ भाई कोई बुझाओ, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ। पड़ोसन बोली और तो बहन सब ठीक है, आग तो बुझी जा रही पर चूड़ी कब ली। तो बोली अरे निकम्मी, पहले पूछ लेती तो आग काहे को लगती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, माताओं के गहने चोरी चाहे चले जाए पर पहनेंगी मेले में पूरे हैं ताकि दिखाएं। कुछ लोग और होते हैं, एक फिजी का आदमी है, एक फिजी के आदमी ने पहली बार अंगूठी पहनी, अंगूठी हमारी पूर्व जन्म में यहां फिजी में नेडी में दुकान थी किराने की, अंगूठी पहनी, अंगूठी अंगूठी सोने की। अब अंगूठी इसमें पहनी तो इस उंगली का कोई काम नहीं बीच वाली का, लेकिन हमारे डब्बा पे हाथ रख के बोला ये बिस्कुट कितने की दी है। अरे भाई ऐसे उंगली करके भी तो दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, अंगूठी कैसे देखेगा, पहली बार पहनी है और ससुराल की मिली अंगूठी है तो ऐसे उंगली करके ये बिस्कुट कितने की दी है। हम भी बड़े आदमी थे उस जन्म में, 300 ग्राम का सोने का बाजूबंद पहने थे, हमने कपड़ा हटा, हमका ले लो जितने की चाहिए हो। कुछ ऐसे भी दिखावा वाले ये लोग बहुत खतरनाक होते, दिखावा आदमी का बहुत खतरनाक होता है, आधे से ज्यादा आदमी दिखावे ही में मर रहा। अच्छा मकान सोना एक कमरे में पर बनाता बड़ा है ताकि पड़ोसी को दिखा सके, और कोई कारण नहीं है। जितने भी आदमी बेफिजूली का खर्च करते दिखावा का करते। एक दुनिया के बहुत अमीर आदमी है, उसने अपनी एक कंपनी बेची तो उसके बारे में आर्टिकल निकला था, हमने पढ़ा। उसने क्या गजब का काम किया, उसने अपनी कंपनी बेची और अपना मकान बेचा, मकान नहीं लिया किराए पर रहता है, तो आर्टिकल में नीचे लिखा था कि इतना अमीर आदमी मिलियन गिलियन का आदमी किराए के मकान पर रहता है। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि आप किराए पे क्यों रहते हैं, बोले जितना मकान में रुपया फंसाना है उससे कहीं ज्यादा कंपनी में लगा करके बड़ी कंपनी को स्थापित करेंगे। ऊंचे लोग ऊंचे ख्वाब रखते हैं पर हम लोग आधे से ज्यादा दिखावे में ही मरते। एक और लड़का आया, गर्मी का मौसम था, कम गर्मी थी 25-28 सेल्सियस, उसने नई नई चेन पहनी, दोनों बटन खोल लिए और आके बैठ करके बोला आजकल गुरुजी गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत गर्मी बढ़ गई है। हम भी उनके गुरुजी थे, हमने कहा बेटा पैसों की गर्मी लग रही कि मौसम की गर्मी लग रही है, दो प्रकार की गर्मी होती तो हमें कौन सी लग रही। तो ये बड़ी गजब की बात है, हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बुरा ना मानिएगा, दिखाना
दिखाना मूर्खता है, बड़ों के सामने दिखना नहीं है। हनुमान जी क्या गजब का संदेश दे रहे हैं अपनी सुंदर कांड की कथा में। सुंदर कांड इसलिए तो सुंदर है, हनुमान जी महाराज लघु बनकर के माँ के सामने खड़े हुए हैं। यह सूत्र है, माता पिता गुरु और भगवान के सामने कितने भी बड़े बन जाओ, हमेशा छोटा बनकर के रहना चाहिए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, हनुमान जी छोटे बने हुए, लेकिन माता जानकी जी को संदेह हो गया। मोरे हृदय परम संदेहा, हमारे हृदय में बड़ा संदेह है। क्या तुम कह रहे राम जी के साथ बंदर आएंगे? हनुमान जी बोले आएंगे। सब बंदर तुम्हारे ही जैसे हैं क्या? हनुमान जी बोले हम तो सीनियर हैं, बाकी तो सब जूनियर हैं। माता जानकी जी बोली फिर तो हो गया कल्याण, जब तुम उन बंदरों में सबसे बड़े सीनियर हो, इतने छोटे हो, फिर तो हो गया कल्याण। पे काहे को रावण को, ये लोग तो नाश्ते में ही खा जाएंगे। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। क्या क्या चिंता ना करें, इतने छोटे बंदर हैं, आएंगे गड़बड़ हो जाएगा बेटा, कुछ काम नहीं बन पाएगा। तुम कह रहे हो मार के ले जाएंगे रावण को, कुछ हो नहीं पाएगा। जैसे हनुमान जी ने इतनी बात सुनी, कनक भूदेरा कार शरीरा, कनक भूदेरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, भयंकर अति बलवीरा। देख रही थी, हनुमान जी ने कहा माँ तो देख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लो, टेलर दिखा रहे पिक्चर की। हनुमान जी ने इतना बड़ा रूप किया कि जो नीचे देख रही थी वो ऊपर देखने लगी। हनुमान जी बोले कहो माता जी। माता जानकी जी बोली तुम सबसे सीनियर हो? हनुमान जी बोले सबसे सीनियर है। माता जानकी जी तुरंत बोली बेटा अब भरोसा हो गया, सीता मन भरोस तब भयउ, अब भरोसा हो गया तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ, फिर से लघु हो गए। माता जानकी जी बोली पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, क्या बात है? हनुमान जी बोले माँ ये तुम्हारी दृष्टि का कमाल है, भक्ति जिसे देख दे वो छोटा भी बड़ा हो जाता है। ये निराभिमानता हनुमान जी से सीखना, क्या गजब की निराभिमानता है। बड़े होने की कला हनुमान जी में ऑलरेडी पहले से है, पर हनुमान जी अपनी महिमा नहीं बता रहे। हम लोग होते तो हम लोग कहते हैं हाँ हम कर लेते हैं, आदत है हमारी कर लेते हैं, वो तो अपने तो अनुभव में है, आदत में है, हैबिट में है, ये तो भगवान की सब गॉड गिफ्टेड है। लेकिन देखो क्या गजब का जवाब देते हैं हनुमान जी। माता जानकी जी कहते सीता मन भरोस तब भयू पुनि लघु रूप पवन सुत लयू, बेटा पहले तुम छोटे थे अब बड़े हो गए, क्या कारण है? माता जानकी जी से हनुमान जी मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहते माँ थे तो हम छोटे ही, आपने दृष्टि डाली तो बड़े हो गए। माता जानकी जी इस बात पर प्रसन्न हो गई, और पहली बार अभी तक माता जानकी जी ने सुत नहीं कहा, पहली बार रामचरितमानस में बेटा कहा। इसलिए सुंदर कांड सुंदर है कि हनुमान जी आए थे राम दूत बनकर और वापस जाते हैं जानकी माता का पूत बनकर के। ये सुंदर कांड की सुंदरता है कि दूत बनकर आए और पूत बनकर के जा रहे। माता जानकी जी आशीर्वाद क्या दे रही इसी कला पर, अजरे अमरे गुण निधि सुत हो, अजरे अमरे गुण निधि सुत हो, अजरे अमरे
अमर माता जानकी जी ने हाथ उठाया, बेटा अजर हो जाओ। अजर मतलब तुम्हें बुढ़ापा ना आए। हनुमान जी ने मुंह बना लिया, क्या बात, अच्छा नहीं लगा वरदान, एक है दूसरा ले लो। अमर, हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया, क्या बात है, वरदान कम है, चलो तीसरा ले लो। गुण निधि, हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया, क्या बात है, तीन कम है वरदान, काम ज्यादा किया वरदान कम दिए, चौथा ले लो। सुत हो, आज से तुम हमारे बेटा हो। हनुमान जी थोड़े प्रसन्न है, बेटा ज्यादा क्यों नहीं हो रहा, कम है, मां हमें जो चाहिए वो दो। आ क्या गजब की रामचरितमानस की सुंदर कांड की रचना। तुलसीदास जी कहते हैं जब माता जी ने अगला वरदान दिया, क्या करही बहुते रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो, छो का मतलब प्रेम, आपसे राम जी बहुत प्रेम करें, आशीर्वाद है। हनुमान जी खिलखिलाकर हंस गए, करही बहुते रघुनायक छो, ताली बजाते गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, बोलो बोलो बोलो, सुत हो वो अजर अमर। हनुमान जी महाराज को वरदान मिला, जाओ तुमसे राम जी बहुत प्रेम करें, बोलो जय सिया राम। हनुमान जी बोले माता जी अब हमें भूख लगे आई, भूख जानते हो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हंग्री है। हनुमान जी बोले भूख लगे आई, माता जानकी जी बोली मतलब, हनुमान जी बोले हमने जब भी जन्म लिया तो जन्म लेते ही हमें भूख लगती है, बात पते की कह रहे हैं हनुमान जी, जैसे ही जन्म अवतार लिया अंजना माता की यहां पे तो भूख लगी, गगन में मारी एक उछाल, तुरंत हनुमान जी को बचपन में भूख लगी सो सूर को ही खा गए ब्रेकफास्ट में। और जहां यहां हनुमान जी ने कहा हमको भूख लगे आए, ऊपर सूर घबरा गया, बचपन में इन्हें एक बार और भूख लगी थी और इस बार तो गजब ही कर दी, भूख नहीं बोला हनुमान जी ने। हनुमान जी बोले सुनाऊ मात मोहि अतिशय भूखा, भूख नहीं लगी भूखा लगा। सूर ने चंद्रमा को मैसेज भेजा कि तुम भी बच के रहियो, जब तो भूख लगी थी तो हम आओ ब्रेकफास्ट ले गए थे हमको ब्रेकफास्ट में, अब तो इन्हें भूखा लगी,
अच्छा देखो क्या गजब का शब्द है, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी कहते भूखा लगी, तो हमने एक दिन विचार किया कि हनुमान जी ने भूखा क्यों कहा, भूख कहनी चाहिए भूखा क्यों कहा। तब हमें समझ में आया कि हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते, सब कुछ थोक में करते हनुमान जी के जितने भी तुम, इसलिए तो मल्टी टैलेंटेड हनुमान का। इनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, ये पूरा पर्वत ही लेके आ। इनसे कहा जाओ जानकी जी का पता ले आओ, ये लंका जला के आ गए। इनसे कहा जाओ जरा वैद को, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, वैद को ले आओ, ये वैद की पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले गए। लखनऊ में पड़े, बोले बाद में पर कहे कि हमें दवाई लेने जाना पड़ेगा, आला लेने जाना पड़ेगा, साफ डिस्पेंसरी मकान से लिया। इसलिए हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते, क्या करते। इसलिए सुंदरकांड की चौपाई में वर्णन दोहा नंबर 16 के बाद में जो चौपाई आई हुई है, उस चौपाई में छठवीं चौपाई में दोहा नंबर 16 की छठवीं चौपाई में हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनहु माति मोहि अतिशय भूखा लागी देख सुंदर फल रूखा। हमको भूख लग आई, जानकी माता बोली फिर से सूर को तो नहीं खाओ, नहीं नहीं नहीं, फिर क्या लगे, ये जो सामने बाग में फल लगे हुए हैं यहाँ पर खाने जाना है। जानकी माता बोली वहां पर बेटा मत जाओ, क्यों, सुने सोते कराइए विपिन रखवारी। बेटा वहां पे सिक्योरिटी गार्ड लगे, लंका की पुलिस लगी, वहां नहीं जा सकते, सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा लंका पे, हम एक दिन लंका पे अयोध्या पे विचार कर रहे थे कि लंका कौन, जहां पे मांस मदरा खाने की स्वतंत्रता हो, फलाहार पे रोक हो, वो लंका। अब बताइए रावण कितना मूर्ख है, मांस मदरा पे बिल्कुल फुल फुल छुट्टी है, पर बाघ के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगा। कितना गजब का सिद्धांत है, वो कह रहा है कि फल नहीं खा सकते, फल पे रोक है, मांस मंदरा पे छूट है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हनुमान जी बोले मां हम तो जाएंगे, माता जानकी जी बोली रक्षक लगे हुए, हनुमान जी बोले राक्षस हैं रक्षक और हम हैं इनके भक्षक। और क्या गजब का संदेश है फिजी वालो, नोट कर लेना इस बात को, तुम भी अगर राक्षसों से डरते हो तो मत डरना, भूतों से डरते हो मत डरना। यहां नारियल को काट करके तंत्र चलाते हैं लोग, नारियल पानी जिससे पी लो, बड़ा खतरनाक तंत्र चलता है फिजी में। ये माताजी हर बात में सही बात बोलती हैं, कहीं कमेटी वालों ने तो नहीं इनको बैठा दिया कुछ दक्षिणाक्षणा दे करके। माताजी कहां से हो आप, फिजी से हो, हाँ अच्छा नांदी से हो, तो ठीक है फिर, तो ठीक है, तो सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। आहा श्री हनुमान जी महाराज लंका में, लाग देख सुंदर फल रूखा, फल खाना है बेटा। हाँ तो हम कह रहे थे हनुमान जी क्या है, राक्षसों के रक्षक, राक्षसों से रक्षक, दानवों के भक्षक, रक्षक भी हैं हनुमान जी और भक्षक भी हैं। इसका भी उत्तर हम नहीं कह रहे, हनुमान चालीसा में आया, तुम रक्षक काहू को डरना, डरना। तो रक्षक हैं हनुमान जी के नहीं, हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो। कोई भी आदमी तंत्र मंत्र से परेशान रहता हो, घर के दरवाजे पर बागेश्वर बालाजी का चित्र लगा दो या पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा दो और पूजा करना प्रारंभ कर दो, तंत्र मंत्र से बाल बांका नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तुम्हें दूसरे मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे बजरंग बली ही कम शक्तिमान नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच हनुमान जी महाराज काम नहीं।
नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाइए और गाइए महावीर। भूत पिशाच क्या श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी राक्षसों से बचाने वाले भी हैं और रक्षा करने वाले भी हैं। बोलो सीताराम। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी बचाएंगे। भैया ओ पगला, अरे ओ पगला, नींबू की एक छोटी सी बूंद कई क्विंटलों दूध को जमा देती है। नींबू की एक छोटी सी बूंद कई क्विंटल दूध को जमा देती है, उसी प्रकार करोड़ों भूतों को हनुमान जी की भक्ति भगा देती है। किसकी भक्ति भगा देती है? पर कुछ लोग कहते गुरु जी हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते भूत भगते ही नहीं। भाई जिंदा भूत नहीं भग सकते, मरे भूतों पर उपाय है। अब एक लड़का हमें मिला, गुरु बोले गुरु जी चुड़ैल लगी, हमका जिंदा या मरी? भाई ढोलक वाले तुम बुरा ना मानना। कुछ लोगों को जिंदा चुड़ैल लगती है जो रात को 10 बजे बाढ़ सब पे ऑनलाइन आती है। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अरे तुम मत शर्माओ, मैं क्या देखा था, वो तुम्हारी बात थोड़ी, बोला कथा की बात है, बुरा मत। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। माला पहनो। बेटा माला बचा नहीं सकती, बेटा माला बचा नहीं सका। तो कुछ लोग कहते भूत प्रेतों से कौन बचाएगा? हनुमान जी। हनुमान जी में दम है। महावीर जब नाम सुन, नाम सुन। माता जानकी जी ने कहा कि बेटा अब ऐसी बात है कि तुम खा सकते हो फल, जाओ। पर बाग में जाने के पहले हनुमान जी ने एक काम किया। जैसे ही हनुमान जी बाग में जाने के लिए तैयार हुए और जब आज्ञा ली तो हनुमान जी ने एक काम किया। चले वो ना ये सिर पेठों बागा फल खाए सी तरुण तोरे लागा। हनुमान जी जब बाग में गए तो एक बहुत अच्छा काम किया। रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर माँ कहती हनुमान तुम्हें फल खाना है तो राम जी के चरण हृदय में रखो। बात सही है, भक्ति के फल को खाने पर ही संसार रूपी राक्षस तुमको परेशान नहीं करेंगे। संसार के संकटों से बचना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। किसकी भक्ति करनी पड़ेगी? भगवान की, तभी संकटों से बच पाओगे। बोलो सीताराम। हनुमान जी जैसे ही बाग में पहुंचे तो सब राक्षस सो रहे थे, लेटे थे, सो नहीं रहे थे, जग रहे थे, लेटे थे। हनुमान जी फल खाने लगे। एक राक्षस बोला देख 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 बंदर आया, दूसरा बोला आने दो, तीसरा बोला खा रहा है फल, चौथा राक्षस बोला खा लेने दो फल ही तो खा रहा है।
हनुमान जी ने सोचा राक्षस उठा ही नहीं रहे और हनुमान जी को करना था खेल, तो क्या करें। हनुमान जी ने पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। राक्षस बोले अब उठो। एक राक्षस बोला क्यों, बोले फल खाता तो ये कह देते कि राजा रावण से के फल हुए ही नहीं, पर अगर पेड़ ही गायब कर देगा तो गिनती क्या बताएंगे। राक्षस उठे, हनुमान जी के पास आए, क्या कर रहे हो। हनुमान जी बोले देख नहीं रहे, फल खा रहे, पेड़ तोड़ रहे। राक्षस बोले रुक जाओ, जानते नहीं हो ये किसका बाग है। हनुमान जी बोले किसी का भी वो होता तो सब राम जी का ही है। राक्षसों ने क्या किया, राक्षस हनुमान जी के ऊपर प्रहार करने लगे तो हनुमान जी भी पेड़ उखाड़ उखाड़ करके गिराने लगे। अब मान लो जहां तुम लोग बैठे हो यहां पे कोई बहुत भारी पेड़ उखाड़ के फेंक दे, चाउमीन बन जाएंगे। हनुमान जी ने भी यही किया राक्षसों के ऊपर। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाए पुकारे। हनुमान जी ने कुछ को तो मारा और कुछ को मसला, और मसल करके अधूरा छोड़ दिया जिंदा। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि ये जिंदा क्यों छोड़ रहे। हनुमान जी बोले रावण को खबर कौन देगा, मैसेज देने वाले भी तो चाहिए। तो हनुमान जी ने कुछ को मारा कुछ को छोड़ा। रावण के सामने राक्षस गए रोते हुए। रावण बोला क्या हुआ। राक्षस बोले कुछ नहीं हुआ, बंदर आया। रावण बोले बंदर आया तो क्या हुआ। अरे बोले बंदर नहीं, महाबंदर है, मार लो। नाम क्या है। अब हनुमान जी का नाम तो राक्षस जानते नहीं थे, तो उन्होंने झूठ मूठ का एक नाम बना लिया, बोले मरकट। अच्छा मरकट का हमने अर्थ समझा कि इन लोगों ने सोचा नाम तो पता नहीं है, हनुमान जी मारते भी हैं और काटते भी हैं, मारते भी हैं और काटते भी हैं, दोनों करते, इसलिए दोनों को जोड़ करके राक्षस बोले मरकट है। रावण बोले मरकट, राक्षस बोले हां है। रावण बोले करें क्या। राक्षस बोले सिक्योरिटी दो, बाघ नहीं बच रहा हुआ, उन्हें बाघ उजाड़ दो ढाई मिनट में। रावण बोले चिंता मत करो। लेकिन उसी समय रावण का बेटा बगल में बैठा था, बेटे का नाम था अक्षय। अक्षय कुमार खड़ा हुआ, बोले पिताजी आप कहो तो हम जाएं। रावण बोले जाओ जाओ जाओ, इनकी मदद करो। अक्षय कुमार आया, पुनि पठिया होते ही अक्षय कुमार चला संगेले सुभट अपारा। सेना लेकर के अक्षय आया। एक राक्षस को हनुमान जी पकड़े चांटा मार रहे थे, दो दो मिनट में फेर दें पटा। अब बोले बोल जय सियाराम। राक्षस बोला नहीं बोलना। सो हनुमान जी फिर मारे दो पटा, धीरे से कहा जय सियाराम। हनुमान जी ने धीरे से पूछा ये सामने से भारी भीड़ लेके कौन आ रहा है। राक्षस बोला पता नहीं है, ये रावण का बेटा है अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले क्या नाम है। अक्षय। अक्षय का अर्थ क्या होता, जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले रावण तो विद्वान है, चलो चेक कर ले। एक मुक्का हनुमान जी ने बनाया और हनुमान जी ने एक मुक्का बना करके मुठका एक जहां हनुमान जी ने मुक्का बना करके मारा। आवत दे की बिटप गई तरजा, ताए निपात महाधुनि गर्जा। एक मुक्का मार करके ही हनुमान जी ने जैसे ही उसकी छाती पर रगड़ा, अक्षय कुमार पहले नीचे गया फिर ऊपर चला गया, मर गया। अब जितने राक्षस अक्षय कुमार के साथ में आए थे सब हाथ जोड़ के बोले यही मूर्ख है, हमें नहीं है कोई दिक्कत, जो तुम्हें करना हो करो, बाघ ले जाओ तुम तो। हनुमान जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। जब रावण को दो तीन राक्षसों को हनुमान जी ने और मारा और फिर छोड़ दिया कि जा खबर दिया। रावण आया, रावण के पास में राक्षस आया। रावण बोला बंदर कहाँ है। राक्षस बोले वो तो वहीं है, हमारा बेटा कहाँ है। संवाददाता बोले मर गया। कैसे मर गया। पत्रकार बोले एक मुक्का में मर गया। रावण बोला अक्षय कुमार को एक मुक्का में। संवाददाता बोले उसने धीरे से मारा था। रावण बोला मतलब।
संवाददाता बोले मतलब सीधा सा है, अगर तेज मारता तो अस्थियां भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिलती। रावण नाराज हो गया। रावण का एक और बेटा बगल में बैठा था, चला इंद्रजीत, चला इंद्रजीत, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध, चला इंद्रजीत अतुलित। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत। सुंदरकांड के 18 नंबर दोहा की तीसरी चौपाई, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी जातो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम का दूसरा बेटा तैयार हुआ जिसका नाम इंद्रजीत मेघनाद। मेघनाद बोला पिताजी आपकी आज्ञा हो हम चले जाएं। रावण बोला चले ही जाओ, पर सुनो चले तो जाइयो पर चले ना जाइयो। चले तो जाओ पर एक गड़बड़ मत हो जाना, क्या चले ना जाइयो। मेघनाद बोला आप घबराओ मत, हम इंद्रजीत हैं। रावण बोला तो ठीक है जा जा जा। जैसे ही मेघनाद आया हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ लिया। कपि देखा दारुण भटाबा, कटकटाए गर्जा अरुधाबा। कटकटा करके हनुमान जी अति विशाल तरु एक उपारा एक पेड़ लेकर के हनुमान जी मेघनाथ की तरफ भागे मारने। युद्ध होना प्रारंभ हुआ। एक मुक्का हनुमान जी ने मार दिया, मुटका ताहि मुटका मार चढ़ा तरु जाई, लेकिन हनुमान जी पकड़ में नहीं आ रहे। अब मेघनाद ने विचार किया, बंदर बड़ा खतरनाक है, पकड़ में नहीं आ रहा। तो मेघनाद के पास में एक उपाय था, ब्रह्मास्त्र। सोचा इसी को संधान लिया जाए। ब्रह्मास्त्र की शक्तियां मेघनाद को प्राप्त थी। हनुमान जी जब पकड़ में नहीं आ रहे थे तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो ना ब्रह्म शर्मानो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को जैसे ही मारा
हनुमान जी ने सोचा अगर हम ही बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। तो हनुमान जी बंधे नहीं, जानबूझकर बंध गए। बात भी सही है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, अपने से बड़ों का सम्मान पहले माता पिता को करना चाहिए। माता पिता को देख करके ही तो बच्चे करें। कुछ माता पिता हमारे पास आते हैं, गुरुजी हमारे बच्चे हमें गालियां बकते हैं। तो हम पूछते हैं, माता जी तुमने सासू माँ को बकी होंगी? अब तुम अकेले में सासू माँ को कहती रही डायन, चुड़ैल, बोंगू, खजेलू। जब तुम कहती नहीं तो बच्चे भी कह रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? ये तो प्रकृति का नियम है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। भैया, अरे जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। क्या ज्ञान है? दोनों हाथ उठा लीजिए, पहले ताली बजाते हुए गाइए। जैसा कर्म करोगे हो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। पीछे वाले सुन लो, फिजी वालो, क्या? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। किसका ज्ञान है बोलो? ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। यही रामायण का है ज्ञान, 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 यही रामायण का है ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता। बोलो क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है भैया? जैसा कर्म करोगे ओ, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। दोनों हाथ उठा करके ऐसा कर्म किया जिन्होंने पाया हो? देखो कर्म के लेख से तो भैया ब्रह्म का बाप भी नहीं बच पाया। सिवन कुमार, किस किस को कहानी पता है? अंधी अंधा को लेकर के श्रवण कुमार जब आए, अंधी अंधा को लेकर के श्रवण कुमार जब आए, अंधी अंधा को लेकर के श्रवण कुमार जब आए, अंधी अंधा को लेकर के श्रवण कुमार जब आए, अपने माता पिता को लेकर के श्रवण कुमार आए,
शब्द वेद तब दशरथ जी ने ब्रह्म ही बाण चलाए, शब्द वेद तब दशरथ जी ने ब्रह्म बाण चलाए, शब्द वेद तब दशरथ जी ने तेज ही बाण चलाए, शब्द वेद जब दशरथ जी ने बाण चलाए, शब्द वेदी बाण चला दिया श्रवण कुमार के शरीर में जाकर लग गया और प्राण छूट गए। जब अंधी अंधा को पता लगा तो दशरथ जी को भी श्राप दे दिया। ओ क्या श्राप दिया, पुत्र वियोग में हम जैसे रोवे, पुत्र वियोग में विरह में रोवे, पुत्र वियोग में विरह में रोवे, जैसे हम पुत्र के वियोग में दशरथ जी विरह में रो रहे हैं, वैसे ही जाएंगे तेरे प्राण, जाएंगे तेरे प्राण, जाएंगे तेरे प्राण, जैसे पुत्र के वियोग में हम रो रहे तुम्हारे भी प्राण पुत्र के वियोग में जाएंगे, पुत्र वियोग में हम जैसे रो रहे हैं, पुत्र वियोग में हम जो रो रहे हैं, पुत्र वियोग में हम जैसे रोए, तेरे भी जाए प्राण। ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान, ये 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 है गीता का ज्ञान, यही रामायण का है 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 ज्ञान। क्या ज्ञान है भैया, क्या ज्ञान है, दोनों हाथ उठा के झूमो। जैसा कर्म करोगे वैसा, 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 जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का, ये है गीता का ज्ञान, 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 जैसा कर्म करोगे, बहुत बढ़िया, जैसा कर्म करोगे भैया वैसा फल देगा भगवान। दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो ना हो बबुआ। अरे जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। क्यों, ये है गीता का ज्ञान, यही रामायण का है ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, यही रामायण का है, ये है गीता का ज्ञान। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल। हम नहीं कह रहे रामचरितमानस में भी चौपाई में उत्तर लिखा, कर्म प्रधान विश्वरे राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। इसीलिए माई बाप ओ फिजी वालो कह दो हां, हम लोगों को कर्म को सोच विचार कर करना है। हाँ जी या ना जी, हैं क्या करना है, सोच विचार करके कर्म करना है, क्योंकि फल सबको मिलेगा ही। जो खेत में बीज बोओगे वही तो काटोगे, हाँ जी या ना जी। लेकिन बुरा ना मानना, एक बात बोल दे, कह दो बोलो, जानते तो सब है मानते नहीं। ये और गजब की बात है, सब जानते हैं, जो करेंगे वही पाएंगे, भोगेंगे भोगेंगे भोगेंगे, मरना है, कुछ साथ में नहीं। अच्छा, जे भी कहते कुछ साथ में नहीं जाना, सब यही धरा रह जाना, फिर भी कहते गुरु जी एक मकान बन जाए। तो कर्म प्रधान विश्व, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, जब मेघनाद ने बाण चलाया ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा,
कपी मन कीन विचार और जो न ब्रह्म शर्मान्यो महिमा मिटे। अपने से बड़ों का सम्मान करो। किसका सम्मान करो? जोर से बोलो, बड़ों का सम्मान करो। हम लोग माता पिता की सेवा तब तक करते हैं जब तक श्रीमती नहीं आ गई। जब तक श्रीमती नहीं आती हैं तब तक कपड़ा भी माता पिताजी से पूछ कर लेते हैं, और श्रीमती आने के बाद अपनी मति खराब हो जाती है। पर स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है। हम गाड़ी उठाना चाह रहे थे, ब्लैक उठावे के रेड ठटरी के बारे है। माता पिता गुरु घर पे बैठे, उनसे पूछ नहीं रहे, ससुराल में साले साहब से पूछ रहे हो। क्या गजब के लोग हैं। इसलिए भैया बुरा ना माना। देखो हम आज किसी को सुबह सुबह कह रहे थे, ज्यादा मुस्कान भी नुकसान कर देती है। ज्यादा मुस्कान भी नुकसान कर देती है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि पत्नी की बात ना मानो। अगर समझदार है तो मानो, पर इतनी ही मानो जितने में मां बाप ना छूटे। इतनी ही मानो जितने में माँ बाप ना छूटे। पूछो क्यों? अच्छा एक जने हमसे कह रहे थे, बोले गुरुजी अगर बेटियों को पिता को रखने का अधिकार होता तो विश्व में दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होते। बेटियों को अगर माता पिता को रखने का अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होते। हमने कहा तुम हमारी तरफ से एक बात और जोड़ लो। बोले क्या? हमने कहा जो बेटियां बहू बनकर जाएं और जहां बहू बनकर जाएं उन्हीं को अगर मां बाप मान लें तो भी वृद्धाश्रम नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब ठीक है, शादी होने के बाद या तो माता पिता की सेवा खेत में, कटिया बाहर, या वृद्धाश्रम, अलग हो जाते हैं, चूल्हे अलग हो जाते हैं। बहुएं भी खतरनाक होती, कुछ सासू माँ भी खतरनाक होती हैं। बहू चाहती जो सासू माँ मिले वो माता जैसी हमको छूट दे, और सासू माँ चाहती जो बहू मिले वो बेटी जैसी रहे। लेकिन कितनी गजब की बात है, सासू माँ बहू में बेटी चाहती है पर खुद माँ नहीं बनना चाहती, और बहू सासू माँ में माँ चाहती है पर खुद बिटिया नहीं बनना चाहती है। इतना ही सुधार हो जाए घरों का कलेश बंद हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, फिजी के लोग बैठे, बच्चे क्या, अब हमारे क्या बच्चे, हम तो गुरुजी हैं। जितने भी हमारे परिवार के लोग बैठे, पुराना मानना अमीर वो नहीं है जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, अमीर वो है जिनके माँ बाप दरवाजे पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो तुमसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं। हाँ बड़े बड़े बंगले बना लेना पर माँ बाप अगर दूर है तो तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है हमारी नजर में। अब तुम अपनी नजर में कुछ भी बने रहो, अपनी नजर में तुम कुबेर के भी अंकल बन जाओ तो हमें क्या लेना देना। पर भैया अमीर कौन है जिसके माँ बाप, तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटी है बनाना है। हम भी फिरी आए भारत से, भारत वाले अब जरूरी ये कहने लगे गुरुजी आजकल बाहर ही बाहर रह रहे हैं, जितने लाइव देख रहे हैं सबके दिमाग खराब हैं, क्योंकि भारत में रहते थे उन्हें आशा रहती थी चलो ठीक है। कल माता जी कह रही भारत में तुम किसी भी कोने में रहो अच्छा लगता है, कम से कम भारत, बाहर जाते हो ऐसा लगता बड़े दूर हो गए। अब क्या बताइए, यहां भी आना जरूरी है, ना आते तो इतने हिंदू कैसे एक हो पाती। आज तो हम विद्यालय गए, एक स्कूल गए, और तीर्थ धाम में दर्शन करने आज हम गए थे। वहां पर सबको शपथ दिलाई कि हम सब हिंदू एक हैं। क्या है? हम सब हिंदू। अब वो हिंदू हिंदू नहीं जो एक नहीं, अगर तुम्हारे खून में हिंदुत्व है तो भेदभाव को मिटाकर तुम लोग फिजी में रहते हो, हमारी प्रार्थना है पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू रहते हैं चाहे जो हो जाए, कभी भी दूसरे हिंदू के साथ गलत हो रहा हो तो बगल में जाकर खड़े हो जाना।
तुम लड़ना नहीं, खड़े भर हो जाना। खड़े होते ही सामने वाले को लगेगा टीम ज्यादा है।